केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला के निवास पहुंचे और स्वर्गीय चिंतामणि मेंदोला को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सिंधिया ने कहा कि दुख की इस घड़ी में मैं चट्टान की तरह मेंदोला परिवार और मोहन यादव के परिवार के साथ खड़ा हूं। देखिए ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सीधे इंदौर में बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला के निवास पहुंचे, जहां उन्होंने मेंदोला के स्वर्गीय पिता चिंतामणि मेंदोला को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संवेदनाएं व्यक्त की। इस दौरान सिंधिया ने कहा कि सीएम मोहन यादव और विधायक रमेश मेंदोला के पिताजी ने सेवा की भावना के साथ काम किया। हम सब लोग दोनों परिवार के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। आज मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के पूज्य पिताजी के अंतिम विदाई के लिए हम लोग उपस्थित थे। दिल की गहराइयों से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ और परसों ही मैं उनके साथ था और जो ऊर्जा उनमें दिख रही थी ये कल्पना भी नहीं हमारे मस्तिष्क में थी कि 24 घंटे में ये स्थिति हो पाएगी। आज उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं और मोहन यादव जी, कलावती जी, नंदू जी सभी परिजनों के साथ चट्टान की तरह हम खड़े हैं। भगवान से यही प्रार्थना है कि उनके दरबार में पूनम चंद यादव जी को स्थान दिया जाए, ताकि इस परिवार के ढाढ़स को भी हम लोग बनाए रखें। और रमेश जी के यहाँ भी आज श्रद्धांजलि अर्पित करने आया था। इनके पूज्य पिताजी ने भी बहुत लंबी सेवा की एक भावना के साथ कार्य किया है और दोनों पूनम चंद जी और रमेश जी के पिताजी ने उस समय का क्षेत्र देखा है और अनुभव किया है जिसकी कल्पना हम लोग आज कर नहीं पाते हैं। ऐसे महान विभूतियों के चरणों में नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही विधायक रमेश मेंदोला के पिताजी का निधन हुआ है। वहीं आज सीएम मोहन यादव के पिता के निधन से बीजेपी में शोक की लहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।